हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग टुगेदर। मैं खड़ी हूँ बुडापेस्ट में अपने हॉस्टल के बाहर और आज मेरा है आखिरी दिन यहाँ पे। जाने से पहले मैं आपको कराऊंगी अपने हॉस्टल का एक क्विक टूर। मैं रुकी हूँ मैवरिक हॉस्टल में, जो यहाँ के टॉप 10 हॉस्टल्स में से आता है, और मैंने कराई है अपनी बुकिंग expedia.com से और पैसे दिए 10,000 रुपये फॉर 4 नाइट। सो गाइज, मैं खड़ी हूँ अपने हॉस्टल के बाहर और मेरे हॉस्टल के बगल में ये है डिपार्टमेंटल स्टोर, जो आप देख सकते हैं ABC के नाम से है, रोनी ABC। यहाँ पे आपको सब सामान मिलता है, दूध, पानी, मेडिसिन, ग्रॉसरी, जो भी आपको ख़रीदना है। ये मेरा भी हॉस्टल का पहला एक्सपीरियंस है, तो मैं भी काफ़ी डरी हुई थी कि कैसा रहेगा, बट आफ्टर दिस आई कैन टेल यू कि मैं हमेशा हॉस्टल में रुकूंगी। बहुत सेफ़ है यहाँ आसपास। इस हॉस्टल के बहुत सारी चीज़ें हैं जो एकदम एक्सेसिबल है, जैसे कि ये डिपार्टमेंटल स्टोर, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे एक फ्रूट की शॉप भी है, जो मैं आते जाते यहाँ से फ्रूट ले लेती हूँ अपने ब्रेकफास्ट और इवनिंग स्नैक के लिए। हॉस्टल में रहने के से पहले काफ़ी माइंड ब्लॉक होता है कि कैसी सर्विस होएगी या क्या फैसिलिटीज़ होंगी वहाँ पे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। नाउ वी आर एंटरिंग इन मैवरिक, सो दिस इज़ द एंट्रेंस। That's the reception area, hostel reception area. They have a restaurant breakfast place called Fatma. ये मैं आपको आगे दिखाऊंगी कैसा रेस्टोरेंट है। यहाँ का लॉबी है ये, और ये काफ़ी छोटे एरिया में ही है, बट बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट कर रखा है, कोजी एनवायरनमेंट है। साइकिल ऑन रेंट फ्रॉम हियर ओनली और हाफ डे बाइक। और यहाँ पे थोड़ा सा एनवायरनमेंट है, सिटिंग है, यहाँ पे आप नीचे से पानी भी पी सकते हैं। यहाँ पे पानी का अरेंजमेंट कर रखा है। बेस्ट पार्ट है कि आपको अपना लैपटॉप या कुछ नहीं कैरी करने का मन है, तो आप यहाँ पे फ्री वाईफाई एक्सेस विद कंप्यूटर ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने डेकोरेशन कर रखा है अपनी लॉबी का, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट। हाय, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। टॉयलेट, कॉमन एरिया टॉयलेट, बट हमने अपना प्राइवेट रूम बुक किया तो हमारा प्राइवेट टॉयलेट है। प्लस यहाँ पे डॉर्मेटरीज भी है, आप शेड अगर आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हैं तो। चलिए थोड़ा और पता करते हैं हॉस्टल के बारे में। दिस इज़ वीवी, शी हेल्प मी ड्यूरिंग माई स्टे एंड इट वॉज वंडरफुल। Okay, so Evie, how many rooms you have in the hostels? We have a lot of rooms. We have more than 200 people that we can accommodate here. I think that you enjoy to stay here and the rooms are really, really nice and really good. Okay, and how many dormitories you have? It's like 10, how is it? It's 14. 14 dormitory, but it includes the women's dormitories as well, because we have separate dormitories for the women. Okay. Now so I will take you to Fat Mama, which is a restaurant which is in this hostel only. So, is hostel mein hai. Acha breakfast mil jata hai yahan pe. Vegetarian ke liye bahut options nahi hai, but haan, coffee hai, bread, salad, fruits. Aap ye sab order kar sakte hai yahan pe. Acha environment hai. Aaj kaafi bheed hai yahan pe kyunki ईस्टर की हॉलीडे की वजह से काफ़ी रेस्टोरेंट्स बंद हैं, बहुत कम रेस्टोरेंट्स हैं जो खुले रहते हैं। दैट्स द आउटसाइड सिटिंग एरिया, अगेन वेरी ब्यूटीफुल। तो बाहर से भी एंट्री है और अंदर से भी है, तो काफ़ी अच्छा है माहौल यहाँ का।
चलिए अब मेरे कमरे की ओर चलते हैं जो सेकंड फ्लोर पे है, और यहाँ पे तीन फ्लोर्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो मेरा रूम है सेकंड फ्लोर पे, ये लॉबी एरिया, लेट्स गो। सो दिस इज सेकंड फ्लोर, यहाँ पे मेरा कमरा है, यहाँ पे ये कॉरिडोर है, मैं अपने कमरे की तरफ जा रही हूँ। माई रूम नंबर इज 207, हमने डबल ऑक्यूपेंसी रूम बुक कराया। इट्स अ प्राइवेट रूम जिसमें प्राइवेट टॉयलेट है। सो दैट्स माय रूम। रूम काफी स्पेशियस और नीट एंड क्लीन है। बेड, दो लोगों के लिए बेड विद मैट्रेसेस। ये है एक स्टोरेज एरिया, अलमारी है ये, और इसके अलावा नीचे एक और स्टोरेज एरिया है फॉर शूज़ और अगर आपको कुछ और रखना है। नाउ लेट्स गो टू द टॉयलेट एरिया। ये है टॉयलेट, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। ये शावर एरिया है, और यहाँ पे है आपका पॉट और बेसिन। ये एक बार सफाई करते हैं पूरा दिन में, हाउसकीपिंग यहाँ की, तो काफ़ी नीट एंड क्लीन है। रूम में काफ़ी अच्छी सनलाइट भी आती है। सो दिस इज़ द फर्स्ट फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पे काफ़ी रूम है, कॉरिडोर एरिया, और इसी फ्लोर पे किचन और डाइनिंग एरिया है। लेट्स सी क्या है। यहाँ पे दो फ्रिजेस हैं, आप अपना सामान जो भी खाना है आपको आप रख सकते हैं इसके अंदर लाके। बहुत सुंदर किचन में सिटिंग अरेंजमेंट है, और ये आप देख सकते हैं कि वॉल पे बहुत सारे मैसेजेस लिखे हुए हैं। ये मैसेजेस अब तक जितने भी लोग यहाँ पे रुके हैं उन्होंने अपने विशेस और एक्सपीरियंसेस यहाँ पे लिख के छोड़ के गए हैं। इट्स लाइक अ मेमोरी फॉर द हॉस्टल। तो काफ़ी सुंदर तरीके से कर रखा है। फ्रिज के अलावा टीवी है यहाँ पे, टीवी के अलावा किचन साइड पे माइक्रोवेव है, डिश वॉशर है, कैटल है, टोस्ट मेकर है, और शुगर, सॉल्ट, टी बैग्स, कॉफ़ी सब कुछ है यहाँ पे। तो आपको इन एंड ऑल आप बाहर से सामान ला के खुद बना भी सकते हैं, चाय कॉफ़ी आप सुबह आइए यहाँ पे बैठ के पिए, लोगों से मिलिए, काफ़ी अच्छा माहौल है। इट्स अ नाइस कोजी एनवायरनमेंट इन द किचन विद ऑल द एमिनिटीज। तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है ये भी एक यहाँ का। Hi, hi, hi everyone. Come and join us. Yes. Oh, we would love to. Can we please make space for the ladies? And this is, they require all the pilots to jump into the ice cold water. They order them to go. Nah, I don't know about that one. And then it was a -10 fall. I'm going to Virginia. Nice. So this goes Liberty, located in Lynchburg. Okay. मैवरिक हॉस्टल बहुत ही एक फ्रेंडली हॉस्टल है। यहाँ पे रोज़ ये एक अलग नई चीज़ एक्टिविटी कराते हैं जिससे लोग एक दूसरे को जान पाएँ और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर पाएँ। उनमें से एक एक्टिविटी थी ये इनकी लोकल वाइन टेस्टिंग सेशन, जहाँ पे इन्होंने हमें लोकल वाइन जो हंगरी की होती है वो इंट्रोड्यूस कराई और हमको टेस्ट कराई। उसके अलावा सब बहुत सारे लोग वहाँ पर हमारे साथ मिले और हमको काफ़ी कुछ जानने को मिला। फिर दूसरा उन्होंने एक दिन करा तापस नाइट बोल के एक अरेंजमेंट, जहां उन्होंने हंगरी का जो लोकल क्विजीन है वो उन्होंने हमें टेस्ट कराया। इस तरीके से हम वहां पे लोगों को आपस में जान पाए, और आपस में जानने के बाद हम एक दूसरे के साथ प्लान भी बना पाए। कभी हम उनके साथ पब क्रॉलिंग पे गए, कभी हमने वॉकिंग टूर उनके साथ किया। तो इस तरीके से आप नए दोस्त बना सकते हैं व्हेन यू आर स्टेइंग इन हॉस्टल, और मैवरिक उसके लिए एकदम बेस्ट जगह है। और सबसे बढ़िया बात, इन एक्टिविटीज़ की कोई पैसे चार्ज नहीं करते ये लोग, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आपके एंटरटेनमेंट के लिए है। सो वी हैड अमेजिंग स्टे एट मैवरिक। इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू बुडापेस्ट, प्लीज स्टे एट मैवरिक। एंड दैट्स इट, सेव अस, थैंक्स वी।
तो दोस्तों ये था मैवरिक हॉस्टल इन बुडापेस्ट। आपको हॉस्टल रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड ऑफ कोर्स प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। प्लीज़ देखते रहिए मेरा चैनल क्योंकि आने वाले ब्लॉग्स में मैं दिखाऊंगी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीइंग टुगेदर।